नमस्कार, शर्माजी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए रेडमी के नोट 7 प्रो की एक अनबॉक्सिंग। और ये जो बॉक्स है वही आपको मिलेगा जब आप इसको ऑर्डर करेंगे मी.com से, फ्लिपकार्ट से और मी होम स्टोर से लेने जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको जो मिलता है, नए तरह का आपको डिज़ाइन है और जिस तरह का फ़ोन है उसी तरह का आपको ग्रेडियंट टाइप में यहाँ पर आपको जो है बॉक्स भी देने की कोशिश की है। इंडियाज़ नंबर वन स्मार्टफोन यहाँ पर लिखा गया है। फ़ोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो यहाँ पर प्रो वर्जन है इंडिया में जो मिला है, और 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। यहाँ पर भी जो इस तरह से लिखा गया, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजली अगर आप देखेंगे तो लिखा है 48+5 मेगापिक्सल का AI ड्यूल कैमरा है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 675 के साथ में आपको मिलेगा 6.3 इंच की फुल HD+ वाली डॉट नॉच डिस्प्ले बोलते हैं। 4000 mAh की टिपिकल बैटरी है। क्वालकॉम के क्विक चार्ज 4 को यहाँ पर जो सपोर्ट करती है, हालांकि चार्जर अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हमारे पास में जो स्पेस ब्लैक कलर है 4GB और 64GB, इसकी जो कीमत है वो 13,999 रुपये है, और जो 6GB और 128GB वाला उसकी जो कीमत है वो 16,999 रुपये रखी गई है। बॉक्स ओपन करते हैं, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले लीफलेट्स मिल जाते हैं कुछ, यहाँ पर इस तरह से खोल लेते हैं इसको आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो ये सबसे पहले आपको मिलती है सिम इजेक्टर पिन। सिम का जो डिज़ाइन है वो अब चेंज हो गया है, राउंड शेप में आ गई है। यहाँ पर आपको मिलती है एक यूज़र गाइड जो कि इस तरह से है, और उसके बाद में आपको मिलती है यहाँ पर कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन, कुछ टिपिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर कि बॉक्स कंटेंट है। और यहाँ पर आपको जो है वो एक कवर मिल जाता है जो कि यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का जो है बना हुआ है, ब्लैक कलर का है, डार्क शेड वाला है इस तरह से। उसके बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पर फ़ोन, और फ़ोन को कैसे निकालेंगे बाहर, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ये जो है फ़ोन है, और इतना बड़ा स्टिकर लगा के दिया है चांद में दाग, इसको हटा लेते हैं हम। पीछे नीचे लिखा है मेड इन इंडिया। जी हाँ, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है, आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर फ़ोन पे, रेडमी बाय शाओमी। जी हाँ, रेडमी बाय शाओमी ब्रांड जब आ गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 48 मेगापिक्सल AI ड्यूल कैमरा। इस तरह से कैमरा का जो बम्प है वो काफ़ी बाहर की तरफ आपको निकला हुआ मिलेगा। सामने की तरफ आप सेम चीज़ें देख सकते हैं जो यहाँ पर आपको जो है वो बताई गई हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो ओपन कर लिया है, इसको स्टार्ट कर देता हूँ मैं एक बार, और फटाफट से देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या दिया है। तो बॉक्स में आपको जो है वो एक 10W का चार्जर मिलेगा, जी हाँ 5V 2A के ऊपर, और आपको जो है वो एक डेटा केबल मिलेगी USB से C-Type। जी हाँ, इस बार आपको जो है C-Type दिया गया है। इसके अंदर कोई भी जो है वो ईयरफोन्स आपको नहीं मिलते हैं हमेशा की तरह, मतलब ये है कि हमेशा की तरह। साथ ही साथ Xiaomi ने जो इंडिया में है वो 1499 के अपने मी स्पोर्ट ब्लू ईयरफोन बेसिकली जो है वो लॉन्च किए हैं, हालांकि अभी तक हमने इसको ओपन नहीं किया है, अभी भी सील लगी है। इसको ओपन करेंगे आने वाले किसी वीडियो में, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बूट हो गया है, MIUI 10 आपको मिलती है यहाँ पर इसके अंदर एंड्रॉयड पाई के ऊपर। जी हाँ, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे आप, फटाफट से इसको जो है भगाते हैं आगे की तरफ। 2.4 GHz और 5 GHz दोनों तरह के बैंड यहाँ पर ये जो है सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। सिम कार्ड इसमें आपको जो है वो हाइब्रिड वाला मिलता है, यानी कि सिम स्लॉट जो है वो हाइब्रिड है, आप दो सिम और एक SD कार्ड जो है वो लगा सकते हैं, मतलब कि दो सिम और एक SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं, एक सिम एक SD कार्ड या फिर दो सिम जो है वो लगा सकते हैं। और बोलता है कि सिम कार्ड, तो दिखा देते हैं आपको एक बार निकाल के। तो ये हाइब्रिड है, और उनका ये मानना है कि यार मतलब 64GB दे रहे हैं तो आपको SD कार्ड लगाने की क्या ज़रूरत है अगर आपको दो सिम के बाद भी चाहिए तो। पर ठीक है, जिनको चाहिए उनको चाहिए, उनके लिए जो है वो कोई भी इफ़ एंड बट, नो इफ़ नो बट, ओनली ट्रिपल कार्ड स्लॉट। कॉपी डेटा करना है? नहीं जी, हम तो बिल्कुल नया यूज़ करने वाले हैं। फिंगरप्रिंट सेटअप जो है वो काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे एक थीम आपको बोलेगा चूज़ करने के लिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए या फिर क्लासिक चाहिए, तो हम जो है वो डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, क्लासिक तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और MIUI 10 एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर जो है वो सेटअप हो गई है। डॉट नॉच डिज़ाइन आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है। और कलर की अगर बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो जो है कम से कम ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपको जो है अगर नेबुला रेड चाहिए तो वो आप देख सकते हैं, नेपचून ब्लू देख सकते हैं, लेकिन अपने को भैया स्मार्ट ब्लैक चाहिए। और मतलब हम तो जी दिल वाले तो पता नहीं कैसे हैं, लेकिन हाँ काला हमको जो है बहुत पसंद आता है। जब तक ये जो सेटअप हो रहा था आपको चीज़ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ आपको जो है वो 3.5 mm जैक जो है मिलता है अभी भी यहाँ पर C-Type देने के बाद में, जो इसको हटाने की कोशिश नहीं की गई है। IR ब्लास्टर भी आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है, साथ ही साथ में सेकेंडरी माइक्रोफोन है, नॉइस के लिए हाइब्रिड सिम मैंने दिखाई दिया है। नीचे की तरफ आपको जो है वो माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं, और बीच में आपको जो है वो C-Type पोर्ट दिया गया है, क्विक चार्ज 4 की सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम लॉकर्स हैं,
और आपको दिखाएं तो जो पीछे का बैक है वो गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में बनाया गया, और यहाँ पर जो है वो 6 लेयर्स बताई गई हैं, काफ़ी सारी इसमें जो है वो लेयर हैं, तो बताया कि काफ़ी स्ट्रांग है ये। आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम कि ये कितना जो है वो स्ट्रांग है या नहीं है। सामने भी गोरिल्ला ग्लास 5 है, पीछे भी गोरिल्ला ग्लास 5 है। शामी का यह कहना है कि ये जो फ़ोन है इस कीमत में अगर हम बात करते हैं नोट 7 प्रो की, तो 14,000 के अंदर इसके अलावा ऐसा कोई फ़ोन, 20,000 रुपये के अंदर भी ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो दोनों तरफ देता हो। हालांकि जो नोट 7 है उसमें भी सामने और पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 है 10,000 रुपये की कीमत के अंदर। MIUI 10 है, जेस्चर्स यहाँ पर आप बहुत सारे जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो अच्छी चीज़ यहाँ पर लगेगी देखने के बाद में। अरे अभी मतलब धीरे धीरे आप यूज़ करोगे ना तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है जी। इसमें जो है वो मैं सोच रहा हूँ ऐप ड्रॉर खोलने के लिए, तो ऐप ड्रॉर की जगह वो जो गूगल की सर्च जो है वो खुल रही है, तो ऐप ड्रॉर यहाँ पर नहीं है इसके अंदर। आपको जो है जाना सेटिंग के अंदर, और उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर कहाँ जाएंगे, अबाउट के अंदर, तो मेन चीज़ ऊपर ही दे दी गई है, वरना पता है आपको हमें स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं Redmi Note 7 Pro यहाँ पर लिखा गया है, और इसमें हमें जो है वो MIUI 10 ग्लोबल बीटा डाल के दी है अभी के लिए, लेकिन जब आपको मिलेगा तो MIUI 10 के ऊपर मिलेगा, स्टेबल वाली के ऊपर 2.2 GHz यहाँ पर बताया गया है, 2.02 लिखा है, लेकिन 2 GHz के ऊपर आपको ये मिलता है। लगभग 675 4 GB की रैम है, 51 GB इसमें अवेलेबल मिल जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, और सॉफ्टवेयर अपडेट आप चाहें तो जो चेक कर सकते हैं। बीटा में तो हालांकि अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन अभी जो है वो नहीं है। बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पर बहुत ही बड़ा हाईलाइटिंग एक फैक्टर है। इसमें आपको जो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो पहले बात कर लेते हैं 48 MP के कैमरा के ऊपर। तो आपको जो है कंपनी ने ऐसा बताया कि आपको अगर 48 MP की लेनी है फ़ोटो, तो आपको जो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फ़ोटो जो है वो एक निकाल लीजिए आप यहाँ पे बड़े ही आराम से। तो मैं एक जो है फ़ोटो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। दो पिक्चर्स मैंने लिए हैं, एक मैंने जो है पीछे वॉल पे टैप किया है, और दूसरी जो पिक्चर मी पे टैप किया है। तो आपको जरा जूम करना जो है शुरू करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि कितनी यहाँ पर जो है डिटेलिंग आपको इसमें मिल रही है। जो ये वाली जो फोटो है ये एग्जैक्टली जो है वो 48 MP में आई है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी डिटेल्स, तो आप देखोगे तो 14.23 MB के अंदर आई है। तो ये एग्जैक्टली 48 MP को जो है वो लेता है और यूज़ करता है। अगर आपको मतलब कि हल्की फोटो चाहिए यानी कि कम साइज़ की चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे इतना जूम करने के बाद भी आप देखेंगे डिटेलिंग जो है काफ़ी आपको क्लियर मिलती है। बाकी कुछ और सैंपल लेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर तो आपको बताएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर टैप करना है, 48 MP का वर्जन ऑफ हो गया है, यानी कि आप जो फोटो ली जाएगी वो आपको जो फोटो मिलेगी वो 12 MP के ऊपर जो है वो मिलेगी, लेकिन जो 48 है वो एग्जैक्टली 48 आप देखते हैं 5 MB हो गया 4000x9000 pixel वाली। लेकिन जो पहले वाली थी उसमें आप जाएंगे तो आप देखते हैं 8000x6000 pixel पे आई है ये फोटो। तो ये है हमारा यहाँ पर Redmi का Note 7 Pro। और Redmi जो है वो हमेशा से Xiaomi जो है वो हमेशा से सरप्राइज कर देता है अपनी Redmi सीरीज के अंदर, और इस बार भी आपको जो है काफ़ी सारे यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिले हैं। स्नैपड्रैगन का 675 मिल गया है, क्विक चार्ज 4 मिल गया है। हालांकि बॉक्स में जो है वो इतना कुछ इंप्रूवमेंट खास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डब्बा जो है वो नया बनाकर दिया है। सार रेटिंग की जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है यहाँ पर। तो इस बार जो सार रेटिंग है वो 0.9682 है हेड के लिए, और बॉडी के लिए जो है 0.838 है। अगर आप मानते हैं कि 1.5 जो है इंडिया गवर्नमेंट मानते हैं कि 1.5 जो है सेफ है, तो इन्होंने जो है वो मतलब उसको कितना आप बोलेंगे 33% जो है मोर सेफ कर दिया है, तो 0.9 तक जा दिया है। 1 भी आप मान लेते हैं, यानी कि अगर आप बोलते हैं कि 0.5 3x हैं, तो इन्होंने जो है वो 1x और कम कर दिया, मतलब कि आपको 1x ज़्यादा सुविधा यहाँ पर दी, यानी कि ज़्यादा आपको सेफ्टी देने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पर फिलहाल एक फर्स्ट लुक Redmi के Note 7 Pro का। मुझे तो भाई ब्लैक बहुत पसंद आता है, बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा 13,999 रुपये के अंदर Xiaomi का Redmi Note 7 Pro। उम्मीदें बहुत थी कि ये जो है वो Note 7 ही आएगा, लेकिन बाद में आएगा या कैसे आएगा, लेकिन आ गया है। कैमरा के सैंपल भी आप जो है वो देख ही सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मिलती हैं। सामने की तरफ आपको जो 13 MP कैमरा दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 20 MP होना चाहिए था, तो कम क्यों है। Xiaomi का कहना है कि जो कैमरा है वो आपको अच्छी फोटो दे देगा, उसमें कोई भी शिकायत आपको जो है वो नहीं मिलने वाली है। और इसमें आपको जो है बहुत सारे जो है वो ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप चाहें तो यूज़ करें एडिटिंग के ऊपर, जिस तरह से ये वाली फ़ोटो है। इसके इफेक्ट में जाएंगे आप तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बहुत मतलब आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसके अंदर ही इतने सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है जी। पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन है, लैंडस्केप है, फूड है, मतलब जिनको मतलब पता है ना, जिनको यूज़ करना है उनके लिए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है जी। तो बस शर्माजी टेक्निकल के इस वीडियो में इतना ही, और आप बताइएगा हमें कि आपको जो है कैसा लगा ये फ़ोन, और आप जो है वो क्या देखना चाहते हैं आने वाले समय के अंदर इस फ़ोन के साथ में, कंपैरिजन
फर्स्ट लुक, गेमिंग वगैरह के बारे में। स्नैपड्रैगन का 675 है तो काफ़ी बताया गया कि इसकी जो गेमिंग है पबजी के अंदर वो हाई ग्राफिक्स में चलती है, तो पबजी इंस्टॉल करने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी, तो मैं फटाफट से जो है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसके एक पावर पैक रिव्यू के अंदर कि क्या है और क्या जो है वो नहीं है। हालांकि ये जो है 13 मार्च तक अवेलेबल होगा, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को सुनने को देखने को मिलेंगी। तो बस आप जो है बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बोलते रहिएगा भारत माता की जय।